तो सबसे पहले तो दोस्तों आप वीडियो को 720p या 1080p पर देखें, आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की PDF फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTI, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 24 सितंबर 2022 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। एजुकेशन भास्कर, भास्कर प्रश्न बैंक, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर युवा रोजगार अवसर, INC की मान्यता के बिना ही 27 BSc नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए मिली NOC। CET का सिलेबस हुआ जारी, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। 13 टॉपिक्स शामिल किए गए सिलेबस में, विभिन्न पारियों की वजह से होगा नॉर्मलाइजेशन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RPSC आवेदन में 1 अक्टूबर तक होगा संशोधन। फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2022, इग्नू मेडिकल कॉलेजों को अपलोड करने होंगे 10 साल के दस्तावेज। उपेन यादव का देर रात ट्यूट, रीट पात्रता परीक्षा का परिणाम अगले वीक में आने की पूरी संभावना है। रीट शिक्षक भर्ती, पदस्थापनों की विसंगतियों दूर करे रीट में। रीट 2022 में उर्दू के 2500 पद किए जाए 12। भास्कर रीट शिक्षक भर्ती लेवल 2। देर रात बीकानेर शिक्षा विभाग ने सामान्य शिक्षा NTSP की वेटिंग लिस्ट जारी की। पहले 11,500 पदों पर हुई थी भर्ती कट ऑफ। प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में 2 वर्ष की शिथिलता के संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। चिकित्सा विभाग की भर्तियों की विज्ञप्ति के साथ साथ अन्य विभागों की नई भर्तियों की विज्ञप्तियों का भी रास्ता खुल गया है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जल्दी जारी करवाने, AWS OBC सर्टिफिकेट की समस्याओं का हल करवाने, प्रयोगशाला सहायक साइंस का परिणाम जारी करवाने, पशुधन सहायक MVSI भर्ती और अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति सहित कई मांगों को लेकर चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा से मुलाकात की। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति, चेयरमैन से मुलाकात। बेरोजगारों का सवाल, सरकार हर साल पद कहां से लाएगी? समान पात्रता परीक्षा से हर साल 120 करोड़ की कमाई करेगी सरकार, भर्तियां निकलेगी नहीं या नहीं साफ नहीं। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। यह समान पात्रता परीक्षा का पैटर्न, सीनियर सेकेंडरी स्तर के इन पदों की भर्तियां होगी शामिल। वनपाल, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा में लिपिक ग्रेड सेकेंड, कनिष्ठ सहायक RPSC लिपिक वर्गीय सेवा में लिपिक ग्रेड सेकेंड, कांस्टेबल आबकारी सेवा में जमादार ग्रेड सेकेंड। हर साल भर्ती तो निकलेगी, हरिप्रसाद शर्मा का बयान। कार्मिक विभाग के सर्कुलर के हिसाब से ही अधीनस्थ बोर्ड CET करा रहा है। हर साल भर्तियों के लिए पद तो सरकार ही देगी, साल में किसी न किसी विभाग में तो भर्ती निकलेगी ही। शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन, वाइस प्रिंसिपल पद पर सीधी भर्ती की मांग, राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। सरकारी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पदोन्नति UGC एक्ट 2018 से, राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। विद्या संबल योजना, सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्राथमिकता, गेस्ट फैकल्टी भी
राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। राज्य के महाविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्षकों के खाली पदों को भरने की मांग, राजस्थान पत्रिका न्यूज। शिक्षा विभाग में फिर शुरू होगा तबादलों का दौर, बीकानेर। शिक्षा विभाग सेकेंड ग्रेड की एक और लिस्ट जारी होगी, फर्स्ट ग्रेड और बाकी अन्यों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा, 16 नवीन पदों का सृजन, जयपुर। भास्कर स्पेशल न्यूज, कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की, 113 विभागों की भर्तियों में उम्र सीमा 2 साल बढ़ी। प्रक्रियाधीन भर्तियों में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आरपीएससी कर्मचारी चयन बोर्ड फैसला करेगी, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड में। वनपाल 10 व वन रक्षक भर्ती परीक्षा 30 जिलों में होगी, झुंझुनू में भी सेंटर है, भास्कर न्यूज। सूचना सहायक भर्ती 2013, अभ्यर्थियों ने की नियुक्ति की मांग, सीकर, भास्कर न्यूज। सूचना सहायक भर्ती मामला, राजधानी जयपुर में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूचियां जारी करवाने के लिए जुटे शिक्षक, किशनगंज, भास्कर न्यूज। छबड़ा अटरू, शाहबाद 167 स्कूलों में 444 पद खाली, 20,950 बच्चों की पढ़ाई बाधित, थर्ड ग्रेड के, सेकेंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के। जूनियर कॉमर्शियल असिस्टेंट भर्ती 6 से 12 अक्टूबर तक दस्तावेज सत्यापन, नवज्योति जयपुर। नई आरएएस भर्ती की अभ्यर्थना, आरपीएससी, राजस्थान पत्रिका न्यूज। विधानसभा में शिक्षा विभाग ने दी शिक्षा मंत्री और विधायक को धार्मिक जानकारी, राजस्थान पत्रिका न्यूज। अध्यापकों के ड्रेस कोड पर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, नवज्योति डूंगरपुर। 55 पाठ्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी, इग्नू नवज्योति न्यूज। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए स्कूलों से मांगी जा रही है छात्र संख्या, जिला समान परीक्षा की जिम्मेदारी अब रामगंज स्कूल संभालेगा, नवज्योति अजमेर। एमडीएस विश्वविद्यालय भीलवाड़ा, भास्कर। शाला दर्पण पर अब ऑनलाइन काउंसलिंग से स्कूल का चयन, बागी दौरा। राजसमंद सरकारी स्कूल में 10% नामांकन बढ़ाने का लक्ष्य था, 3,629 बच्चे और कम होकर 2,11,000 रह गए। दूसरी मेरिट लिस्ट से भी नहीं भर पाई कॉमर्स की सीटें, सिविल सेवा नियम 1988 में संशोधन की मांग, मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी आरक्षण, विभिन्न भर्तियों का मामला, इंस्पायर अवार्ड किशनगढ़। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय स्पेशल न्यूज, पीटीआई भर्ती परीक्षा 25 सितंबर को दो पारियों में होगी। IIT NIT जोसा काउंसलिंग संदेश न्यूज कोटा।